हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कोवैक्सीन रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा। एक्चुअली कोवैक्सीन रिलेटेड सवाल रेगुलर मुझे प्राप्त होता है। जो लोग इंडिया से कोवैक्सीन ली हुई है, क्या दुबई यूएई ट्रैवल कर सकेंगे, इस तरह का सवाल मुझे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज कोवैक्सीन रिलेटेड मुझे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट प्राप्त हुआ है। अमेरिका ने कोवैक्सीन अलाउड किया है, मतलब अमेरिका के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं। 8 नवंबर 2021 से जितने सारे लोग इंडिया टू अमेरिका ट्रैवल करेंगे, मतलब कोवैक्सीन होल्डर्स, इंडिया से कोवैक्सीन होल्डर्स 8 नवंबर से अमेरिका ट्रैवल कर सकेंगे, अमेरिका ने अलाउड कर दिया है। लेकिन यूए की तरफ से क्या अपडेट है, क्या यूए ने अलाउड किया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, अभी तक यूए ने अलाउड नहीं किया है, यूए ने कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है। लेकिन इंडिया से जो लोग कोवैक्सीन ली हुई है, अब भी ट्रैवल कर सकेंगे, मतलब दुबई ट्रैवल कर सकेंगे, यूए ट्रैवल कर सकेंगे। तो कैसे, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इंडिया टू दुबई, मतलब आपको दुबई एयरपोर्ट लैंड करना है, दुबई, इंडिया से दुबई आना है आपको। यूएई में तो अबू धाबी, शारजाह, रसल का भी एयरपोर्ट भी है, लेकिन आपको क्या करना है, दुबई आना है। दुबई ने सबको अलाउ किया है, दुबई ने अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को भी अलाउ किया है, मतलब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको भी अलाउ किया है, जिन्होंने कोविशील्ड लिया है उनको भी अलाउ किया है, जिन्होंने कोविशील्ड का 101 डोज लिया है उनको भी अलाउ किया है, जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लिया है उनको भी अलाउ किया है, जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उनको भी अलाउ किया है, जिन्होंने कोवैक्सीन का 1 डोज लिया है उनको भी अलाउ किया है। देखिए, दुबई स्पेशली दुबई के लिए वैक्सीनेशन कोई इशू नहीं है। आप बिना वैक्सीन, मतलब कोवैक्सीन होल्डर्स दुबई में बिना मतलब अनवैक्सीनेटेड के हिसाब से गिनती होंगे, मतलब जिन्होंने कोवैक्सीन ली हुई है, आप भी दुबई ट्रैवल कर सकेंगे, लेकिन आपका गिनती होंगे अनवैक्सीनेटेड के हिसाब से, वैक्सीनेटेड के हिसाब से गिनती नहीं होंगे। आपको क्या करना है, सीधा इंडिया टू दुबई ट्रैवल करना है। दुबई एयरपोर्ट लैंड करने के बाद आपको अगर अबू धाबी आना है, शारजा जाना है, रसल कम जाना है, मतलब पूरा यूएई आप ट्रैवल कर सकते हैं। दुबई लैंड करने के बाद दुबई से बाय रोड, बाय बस, बाय टैक्सी आप आ सकते हैं। जस्ट आपको दुबई लैंड करना है। देखिए, एक्चुअली यूएई में क्या, यूएई में दो डिपार्टमेंट है, एक है जीडीआरएफ डिपार्टमेंट, एक है आईसीए डिपार्टमेंट। तो दुबई आता है जीडीआरएफ के डिपार्टमेंट में, और बाकी जो 6 स्टेट है, अबू धाबी, शारजाह, रसल कम, वर्कम, आजवान, फुजीरा, ये आता है आईसीए के डिपार्टमेंट में। तो आईसीए डिपार्टमेंट ने अभी तक कोवैक्सीन को अलाउड नहीं किया है, जस्ट कोविशील्ड को ही अलाउड किया है। तो देखिए, आपको सिर्फ क्या, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली दुबई एयरपोर्ट लैंड करना है। दुबई से आप बाई रोड, बस, बाई बस आ सकते हैं, बाई टैक्सी आ सकते हैं अदर एमिरेट। लेकिन कोवैक्सीन को अमेरिका ने अलाउ किया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी यूएई भी कोवैक्सीन को ऑफिशियली अलाउड करेंगे। अगर कोवैक्सीन रिलेटेड कोई अपडेट यूएई की तरफ से आता है, तो मैं भी आपको अपडेट करूंगा। जस्ट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दुबई आना है, दुबई से बाई रोड मतलब बाई बस, बाई टैक्सी आप अदर्स एमिरेट ट्रैवल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।